वाइज हमने रिसेंटली देखा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, ना ही सिर्फ फोर व्हीलर्स में ही बल्कि टू व्हीलर्स में भी। रिसेंटली हमने फुली इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स के काफी सारे लॉन्चेस देखे और आने वाले समय में काफी होने वाले भी हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, जानेंगे उनकी प्राइस रेंज और डिटेल्स के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट अंकित और आप देख रहे हैं गाड़ीवाड़ी.com का यूट्यूब चैनल। हमारी इस लिस्ट के अंदर जो पहला स्कूटर है वो है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। इस साल की शुरुआत के अंदर बजाज ने अपने चेतक आइकॉनिक नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लॉन्च किया। जहां तक डिजाइन की बात है, ये स्कूटर देखने में काफी अच्छा लगता है और इसको रेट्रो लुकिंग दी गई है। फ्रंट की बात करें तो आपको फुल LED हेडलाइट्स मिलती है, फेदर टच स्विच गियर्स देखने को मिलेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर हाई क्वालिटी मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। ये स्कूटर 3.8 किलोवाट और 4.1 किलोवाट कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। जहां तक इसकी रेंज की बात है तो वो इको मोड के अंदर 95 किलोमीटर है, वहीं पर स्पोर्ट मोड के अंदर 85 किलोमीटर है। और इसकी जहां तक प्राइस की हम बात करें तो वो 1,00,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस एक्शोरूम रखी गई है। हमारी इस लिस्ट के अंदर जो दूसरे नंबर पे है वो है एथर 450। एथर एनर्जी एक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप है जो फिलहाल भारत में ई स्कूटर्स पर फोकस कर रहा है। इसका लॉन्च 2018 में हुआ विद IP67 रेटेड 2.4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में। इस स्कूटर की इको मोड के अंदर रेंज 75 किलोमीटर है, वहीं स्पोर्ट मोड के अंदर इसकी रेंज 55 किलोमीटर है। और इसकी प्राइस भी इस लिस्ट के अंदर जो बाकी स्कूटर्स हैं उनके आसपास ही है। इसकी प्राइस 1.13 लाख एक्स शोरूम है। हमारी इस लिस्ट के अंदर जो तीसरे नंबर पे स्कूटर है वो भी एथर एनर्जी की तरफ से ही है, एथर 450X, जिसे फिलहाल ही भारत में लॉन्च किया गया। इसकी इंस्टॉल बैटरी कैपेसिटी 2.9 किलोवाट आवर है। इसके अंदर आपको पावर आउटपुट 6 किलोवाट मिलता है जो 26 NM टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक 0 to 40 करने में इस स्कूटर को 3.3 सेकेंड लगते हैं, वहीं पर 0 to 60 करने में 6.5 सेकेंड लगते हैं, एंड दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव। इसके अंदर आपको फुली टच इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और जहां तक इसकी रेंज की बात है वो इको मोड के अंदर 85 किलोमीटर है, वहीं पर स्पोर्ट मोड के अंदर ये 70 किलोमीटर हो जाती है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एडिशनल सब्सक्रिप्शन के साथ एथर 450X की प्राइस 1.49 लाख है, जो एथर 450 प्रो आता है उसकी प्राइस 1.59 लाख एक्स शोरूम है। हमारी इस लिस्ट के अंदर जो चौथा स्कूटर है वो है TVS का iQube, जिसे बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर के नेक्स्ट डे लॉन्च किया गया। ये स्कूटर 4.4 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। इसके अंदर आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विद TVS कनेक्टेड टेक। इसको 0 टू 40 करने में 4.2 सेकंड्स लगते हैं। जहां तक इसकी रेंज की बात है वो 75 किलोमीटर है, और जहां तक इसकी प्राइस की बात है वो 1.15 लाख एक्स शोरूम रखी गई है। हमारी इस लिस्ट के अंदर जो आखिरी और पांचवा स्कूटर है वो है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा, और हमारी इस लिस्ट के अंदर ये सबसे अफोर्डेबल स्कूटर भी है। इसकी प्राइस 69,000 एक्स शोरूम है। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर आपको 50 टू 55 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, वहीं जो एक्सटेंडेड वेरिएंट आता है इसके अंदर आपको डबल से भी ज़्यादा 110 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिलेगी। जो इसकी टॉप स्पीड है वो 40 टू 45 किलोमीटर पर आर है, जो सिटी के हिसाब से ठीक है। तो ये थी हमारी टॉप 5 स्कूटर्स की लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।